हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोटी की सब्ज़ी, यानी कि बची हुई रोटी से कुछ अलग बनाने की ट्राई करेंगे। लेकिन मेरे घर में ये रोज़ बनता है। आपको 3 या 4 चमचे तेल ले लेना है एक बर्तन में, और उसे गर्म होने देना है। गर्म होने देने के बाद हम उसमें राई डालेंगे, यानी कि इसमें सिसमिसिस कहते हैं, नहीं यार सही कहते हैं। और इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम ये जब फूटने लगे तब हम इसमें छाछ डाल देंगे, यानी कि बटर मिल्क। आपके घर में शाम की बची हुई रोटी हो या सुबह की बची हुई रोटी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और खट्टा मीठा और चटपटा टेस्ट आएगा। ये देखिए, छाछ, सॉरी मैंने गैस स्लो नहीं किया था, आप गैस स्लो करके डालिएगा कि ज़्यादा आपके ऊपर आना आए। अब हम इसे हिला देते हैं। अब हम उसमें मसाला करेंगे, ठीक है। इसे हम मीडियम आंच पर ही रखेंगे, हमें ज़्यादा फूल नहीं चाहिए। और हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। जैसे मेरे साथ सुबह की बची हुई रोटी है 5, इसमें हम डालेंगे हल्दी और मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, तीखा कम होता है, इसलिए मैंने एक चम्मच डाला है, वरना आप अगर दूसरा डालें तो कम डालें। और ये धनिया जीरा पाउडर जो बेसिकली हमारे घर में मिलता ही है और है आपके घर में भी, तो चलिए। और सॉल्ट, चीनी, यानी कि खांड गुजराती करके, और थोड़ी सी और सॉल्ट। वैसे ये उबल जाए ना तो उसके बाद में आपको टेस्ट कर ही आप उसमें ज़्यादा या कम मात्रा में कर सकते हैं। अब हम उसे उबाल अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस हमें छाछ में उबाल आने देना है और उसके बाद हम रोटी के टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे। मुझे हल्दी थोड़ी कम लगी, अगर आपको हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, कम ही डालना। इसे अब हम होने देते हैं, छाछ के मसाले में उबाल आ जाए ना उसके बाद हम रोटी डालेंगे। वैसे हमने ये मिक्स किया हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा कलर पकड़ रहा है ना, बिल्कुल। अब हम उसमें देखेंगे थोड़ा टेस्ट करके कैसा है। अगर आपको कोई मीठा नमक या शुगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरे लिए तो इतना बेस्ट है चटपटा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा टेस्ट मुझे पसंद है, मुझे मीडियम ही टेस्ट पसंद है ज़्यादातर। ये देखिए, ये उबाल आने लगा है इसका। ये छाछ का एक बार उबाल आ जाए ना उसके बाद हम उसमें रोटी डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से उबाल रहा है, कितना अच्छा कलर, कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है ना। ये देखिए, एक रोटी है जिसके मैंने टुकड़े कर दिए, ये दोबारा टुकड़े कर दिए, और इसे छोटा छोटा कट करके हमने डालना है। ये देखिए, ये उबाले हुए हैं ना उसके अंदर। वैसे खाना बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने सोचा कि क्या बना सकती हूँ। तो मेरे घर में छाछ थी, बची हुई रोटी थी, और घर में मसाले तो ऑलरेडी होते ही हमारे इंडियन में, तो बस इस तरह से बनाइए। और हाँ, ये रोटी डालने के बाद हमें इसे 10 या 15 मिनट तक रेस्ट करने देना, यानी कि उबलने देना है, क्योंकि रोटी थोड़ी सी नरम हो जाए और छाछ के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए, यानी कि छाछ और रोटी दोनों एक हो जाए उसके बाद। ये देखिए, हमने इसे रोटी को छाछ में डाल दिया और अब बस इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। ओके, अब हम उसमें ढक देंगे। ये ढक्कन ढक दिया, इसे हम 10 मिनट के बाद ही निकालेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया, और देखिए और इसके टेस्ट करके देखें। अगर आपको इसमें कुछ भी, यानी कि नमक की कमी लगती है, शुगर की कमी लगती है, तो आप डाल सकते हैं। देखो मैं टेस्ट कर रही हूँ, वैसे कैसा है? अच्छा है ना, बिल्कुल वाव। ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी उग चुकी है। वैसे मेरे हिसाब से तो टेस्ट बराबर ही है, कि मुझे खट्टा मीठा और चटपटा टेस्ट चाहिए था। वैसे छाछ तो नॉर्मली माइनर ही खट्टी थी, इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा थोड़ा सॉल्ट डाला।
ऊपर से और थोड़ा सा चीनी, क्योंकि मुझे और थोड़े चटपटे चाहिए थे। देखिए मैं रोटी बताता रहा हूँ, ये रोटी नरम हो गई ना, बस अब ये हो गया है। जितना ठंडा पड़ेगा ना ये रसा उतना ही गाढ़ा हो जाएगा, और हमारी ये चटपटी रेसिपी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।